हेलो दोस्तों, तो अभी समय है सुबह के 5:20 और हम निकल चुके हैं ओल्ड फरीदाबाद से आगरा की तरफ। और यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले हमने लिया टिकट, जो कि टिकट का मूल्य है 50 रुपये, सामान्य और एक उससे ऊपर है 250 का, जिसमें आप ताजमहल के जो अंदर मकबरे बने हैं उन्हें भी जाके आसानी से देख सकते हैं। लेकिन हमने लिया है 50 वाला, क्योंकि हम अंदर जाके देख चुके हैं जहाँ पे मुमताज़ का मकबरा बना हुआ है, तो इसलिए हमें 50 वाला लिया ताकि हम सिर्फ घूम सकें और देख सकें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्रेंस है, जो कि अंदर जाने के लिए रास्ता बना हुआ है और इसके कई द्वार हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि चारों तरफ खूबसूरत बाग बगीचे हैं और चारों तरफ छोटे छोटे घर जैसे नुमा दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये घर जैसे तरह से कि उस ज़माने में इसमें बाजार लगा करते थे जब साइंस वहाँ पर रहा करते थे उसके अंदर। तो पूरा एक बाजार का एरिया जो कि आप देख सकते हैं, छोटे छोटे से घर देखते हुए यहाँ बाजार लगा करते थे जिस ज़माने में ताजमहल बन के तैयार हुआ था और यहाँ से लोग खरीदारी करते। अभी भी यहाँ बाजार होता है, लेकिन हम लोग ने गेट देखा उस तरफ कर लोग बाजार करने जाते हैं और उधर बाजार लगते हैं। हालांकि अभी सिर्फ एक म्यूजियम के तौर पे ही है कि आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ क्या कौन सी चीज़ें कैसे थी और उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब आप जो देख रहे हैं ये एक मेन गेट, जिसको पार करने के बाद जो है हमारा ताजमहल दिखाई देगा। अब यहाँ पे कुछ सूचना जानकारी है, जैसे कि इसका डायग्राम कि किस तरह से ये बनाया गया है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि मुख्य द्वार यानी कि मेन गेट यही है और इसके बाद आप देख पाएंगे ताजमहल को। लेकिन उससे पहले इसकी आप कारीगरी को देखिए, ऊपर नक्काशी गुंबद जो बनाया गया है, बहुत ही बेहतरीन कारीगरों ने काम करके इसे बहुत ही बखूबी तरीके से बनाया है, जो देखने में काफ़ी आकर्षक है। जैसे ही मुख्य द्वार को पार करते हैं हमें दिखाई देता है चमचमाता हुआ सफ़ेद ताजमहल, और जैसे कि आप लोगों का हुजूम देख समझ सकते हैं कि काफ़ी लोग इसे देखने आए हुए हैं। और हालांकि रोज़ का ही ऐसा सीन होता है यहाँ पे कि लोग इतने सारे आते हैं इस चमचमाती हुई इमारत को देखने के लिए, जो कि देखने में बेहद खूबसूरत और शानदार है। मानना पड़ेगा शाहजहाँ को, उसने चीज़ बहुत ज़बरदस्त बनवाई अपने ज़माने में। इसको बनवाने में काफ़ी सारे मज़दूरों का योगदान था, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कारीगरों को बनाने के बाद जब शाहजहाँ ने इस चीज़ को देखा उनसे काफ़ी खुश हुआ और उनके हाथ कटवा दिए ताकि दोबारा ऐसा कोई मुजस्मा ना बन सके। और इसके बाद हमें मिला ताजमहल, जो कि दुनिया में 7वां अजूबे का स्थान रखता है। और आप चारों तरफ देखते होंगे सिर्फ लोग ही लोग हैं जो इसे देखने के लिए आए हुए हैं। और जो मैं बातें कर रहा था 250 और 200 की, तो जो आप ये बाउंड्रीज देख रहे हैं यहाँ सभी 50 रुपये वाले पास जो टिकट वो घूम सकते हैं, और जो ऊपर का एरिया है जिसके अंदर कब्र है उसमें जाने के लिए आपको 250 की टिकट लेनी होगी। ये टिकट प्राइस अलग अलग हैं फॉर्मल के लिए और इंडियंस के लिए। इसके बाद आप देख सकते हैं कि बहुत ही नायाब तरीके से इस ताजमहल को बनवाया गया था मुमताज़ की याद में, और इसमें जितने भी पत्थर हैं देश के अलग अलग कोनों से मंगा के उन्हें बनाया गया था। और इन पर सबसे खूबसूरत चीज़ जो है इनकी नक्काशी, और जो इसका बनावट है वो तो अद्भुत है, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है, अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है। और बाकी जो इसकी नक्काशी आप अंदर से देखिए बहुत खूबसूरत है। और कहा जाता है कि जिस ज़माने में इसे बनाया गया था तो इसके अंदर कई सारे जड़ित मोती हीरे जवाहरात लगाए गए थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसे जाते हुए निकाल दिया, लेकिन फिर भी अपने पीछे छोड़ गए खूबसूरत निशानी इमारत, जो कि देखने के लिए आज भी भारत ही नहीं बल्कि विदेशों से लोग यहाँ आते हैं देखने के लिए। अब जो उसकी नींव है वो कहते हैं कि इसी नदी की वजह से जो इसके पिलर है नीचे वो यमुना का पानी सोखता है, उसी
पानी उस उसकी मजबूती है, जिस दिन जमुना सूख जाएगी उस दिन इसकी नींव धराशायी हो जाएगी। ऐसा सिर्फ लोगों का एक कथन है, ये सत्य पूर्ण रूप सत्य है या सत्य इसके ऊपर मैं नहीं जानता, सिर्फ लोगों का कहना है जी। आप देख सकते हैं कि यहाँ से देखने के बाद काफ़ी भव्य लग रहा है, इसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त बना होगा। और ये है जहाँ बना घूमने के लिए जगह, ये इनके उद्यान है जहाँ वो टहला करते थे सुबह सुबह। और आप इस पूरे उद्यान के कहीं से भी किसी भी छोर से देखिए, आपको ताजमहल बेहद खूबसूरत दिखाई देगा। और सबसे दिलचस्प बात ये कही जाती है इसके बारे में कि ताजमहल पूरे 24 घंटे में 3 या 4 रंग में दिखाई देता है, सुबह सुनहरा, गोल्डन, गुलाबी, और रात की चांदनी में बिल्कुल श्वेत दूध की तरह।